नमस्कार डोगरी खबरें तुंदा स्वागत है। मैं राजन बटियाल ते पेश ने इस वेले दियां खबरां। गवर्नर हुंदे सलाहकार के विजय कुमार होरें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की बल दिता है जे ओह पर्यावरण की रक्षा के लिए है ते अपने दायित्व का निर्वाह करने उपर मता सक्रिय ते जवाबदेही होई है काम करन। श्रीनगर च बोर्ड की कारकरदगी की कामकाज बारे जायजा लैंदे हुए एडवाइजर विजय कुमार होरें एक गल आखी। बैठक च दस्सिया गया जे नई उद्योगिक इकाइयां आने ते उन्दे मामले की तेजी कन्नै निपटाने ते पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन कंसेंट मैनेजमेंट ते उन्दी मोनिटरिंग की देखभाल की अपनाया जा सकता है। इहदे अलावा बोर्ड ने नैशनल वाटर क्वालिटी मोनिटरिंग प्रोग्रामा के तहत पानी की गुणवत्ता की पकड़ बारे भी गल आखी है। कन्ने गै प्लास्टिक उपर बंदिश लाने की भी लागू करने के लिए मौजूदा माली बरे के दौरान 314.74 क्विंटल मोमी लफाफे की बरामदगी भी की गई है ते इन्हें जब्त समग्री की नीलामी उपर 36.68 लाख रुपये का राजस्व भी अर्जित किया गया है। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा च सुरक्षा बलों ने वीरवार हुई दी मुठभेड़ के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवादी की मारी मकाया। मनिया जा रहा है जो लश्कर कन्नै वावस्था हा। मौके थमां हथियार ते असला भी बरामद किया गया है। इलाके च किशोर आतंकवादियों की मौजूदगी की देखते हुए हाली भी ऑपरेशन जारी है। उत्थे गै पूरे इलाके की घेराबंदी करियै वाधू फोर्स की मौके उपर तैनात किया गया है। सरकार ने कार्य क्षेत्र च महिलाएं के जोन उत्पीड़न की रोकथाम दे नाल संबंधित एक्ट के हेठ शिकायत कमेटी के पुनर्गठन की मंजूरी प्रदान कर दिती है। हायर एजुकेशन विभाग की सैकटरी सरिता चौहान होरें इहदा चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह कमेटी जोन उत्पीड़न संबंधी शिकायतें की रजिस्टर के कन्ने कन्ने इहदा निपटारा भी करोग। लीगल मैट्रोलॉजी विभाग का काम है जे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना ताजे लोगों की पूरी मात्रा च साफ सुथरी चीज़ें की उपलब्धता हो सके। किस लोगों का इन्हें मानना है जे जिस मकसद के लिए यह विभाग बनाया गया है वह मकसद हाली भी पूरा होंदा नहीं लभदा है। पेश है इस संबंध में साड़ी ये रिपोर्ट। लीगल मैट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का काम है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। इस विभाग का काम है शिकायत मिलने पर किसी भी दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान पर छापा मारना या डीलर्स को लाइसेंस प्रदान करना और नापतोल में किसी किस्म की अगर कोई शिकायत मिले तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करना। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट 2005 में वजूद में आया और इस विभाग को फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स विभाग के तहत लाया गया। इस विभाग के बारे में आम लोगों का कहना है कि विभाग कहीं काम करता नजर नहीं आ रहा है। अगर विभाग किसी मकसद के लिए बनाया गया है तो वो मकसद इस विभाग को पूरा करना चाहिए। लोगों कहीं दुकान पे जाते हैं, कहीं बिल नहीं देते, कहीं अपनी मर्जी से वो अपना रेट लगा लेते हैं। अगर दुकानदार को कस्टमर बोलता है कि थोड़ा कम लगाओ या कुछ कम करो तो वो कहते हैं नहीं, या बिल दो तो मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं जी जाओ मर्जी कर लो। अगर ये नापतोल डिपार्टमेंट हर जगह अपना जाए और उनको चेक करे कि ये काम ठीक तरह से कर रहे हैं लोग, कस्टमर को फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा और ये अवेयरनेस जागेगी कि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर डिपार्टमेंट बनाया तो उसको काम भी करना चाहिए। इधर विभाग के डिप्टी कंट्रोलर मनोज प्रभाकर का कहना है कि पिछले वर्ष विभाग की तरफ से 18,665 इंस्पेक्शन किए गए और 3,000 से ऊपर चालान काटे गए। अगर मैं लास्ट ईयर के लिए बात करूं तो 18,665 इंस्पेक्शन हमने जम्मू प्रोविंस में की हैं, जिसमें से हमने 3,110 चालान बुक किए थे लास्ट ईयर और अप्रॉक्सीमेटली 52 लाख के आसपास हमारा फाइन है, जो कि एक अच्छा अमाउंट भी है। तो नॉर्मली डिपार्टमेंट का ज़्यादा ध्यान होता है कि डेटरेंट रहे और अवेयरनेस ज़्यादा रहे। इस क्वार्टर में भी ऐसे अभी सीजन त्यौहार नहीं शुरू हुए, लेकिन हमारा यात्रा चल रही है, उसके तहत भी इंस्पेक्शन हमारी कंटिन्यू रहती है और अभी तक हमने 870 इंस्पेक्शन फर्स्ट 3 मंथ्स में कैरी कर लिए हैं, जिसमें से 5,486 केसेस बुक हो चुके हैं और नहीं 890 केसेस बुक हो चुके हैं और 14,84,000 के आसपास हमारा फाइन है। तो ये एक रूटीन है, मतलब इंस्पेक्शंस जो करना वो डिपार्टमेंट का दायित्व है। अब विभाग का हम इस ओर ध्यान खींचेंगे कि शहर में धड़ल्ले से घरेलू इस्तेमाल के गैस सिलेंडर कमर्शियल पर्पजेज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कई दुकानों पर ऐसे सिलेंडर्स को अगर टेक वन की टीम खोज सकती है तो लीगल मेट्रोलॉजी की टीम क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा करना गैर कानूनी है। डिपार्टमेंट का मैंडेट है कि जो डोमेस्टिक सिलेंडर हैं दे शुड बी यूज्ड ओनली इन द हाउसहोल्ड।
हमने लास्ट टू इयर्स में काफ़ी लंबी ड्राइव की है और जितने भी हमारे बिग होटल्स हैं उनको हमने देखा है कि वहाँ पे डोमेस्टिक सिलेंडर्स ना यूज़ हों। कुछ एफआईआर भी लगी हैं जो कोर्ट में जितनी प्रोसीडिंग चल रही है अभी भी, तो बाकी जो हम उसमें जो दुकानों पे लगा होता है तो हम उसको सीज करते हैं और उनको ऑयल कंपनीज के हवाले कर देते हैं। कुछ पुलिस एक्शन भी करते हैं। तो नॉर्मली जो डोमेस्टिक सिलेंडर है वो हमेशा घरों में ही यूज़ होना चाहिए। अगर दुकानदार करता है तो वो अपराध है और उसके लिए उसको एक्शन भी होता है डिपार्टमेंट को। आजकल के ज़माने में जिस प्रकार की धोखाधड़ी चल रही है, जिस प्रकार उपभोक्ताओं के हितों की अवहेलना हो रही है, ऐसे में इस विभाग का काम बढ़ जाता है क्योंकि कम तोलना, मिलावटी चीज़ें बेचना आजकल का प्रचलन है। राजू सिंह, टेक वन चैनल, जम्मू। पिछली सरकार आसिया चलाई गई परियोजनाएं की पुनः शुरू करने की मांग की लिए पैंथर्स पार्टी आसिया आज गवर्नर होरें गी संदर्भ च यह आग्रह किया गया जे पार्टी के जोनल प्रधान नीरज गुप्ता होरें इस दौरान बोलते हुए आख्या जे पीडीपी भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान जम्मू से शुरू किए गए गंडोला ते आर्टिफिशियल लेक के कम्मे की छड़ी आधारशिला गै होइए कम लटकी गए हैं जिन्हेंगी शुरू करवाए जाने की लोड़ है ताकि लोगों की इहदा पूरी चाली लाभ पुज सके। उसमें ही वो जल्द से जल्द पूरा हो सके, चाहे वो वाटर लेक की काम की बात कर लें, चाहे वो बात कर लें गंडोला प्रोजेक्ट की। बीजेपी पीडीपी सरकार इसको बनाने में पूरी तरह असफल रही है। हम ये मांग करना चाहते हैं गवर्नर साहब से कि वो अपने टर्नवर में इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके लोगों को समर्पित किए जाए ताकि लोग जो हैं इसका लाभ उठा सकें।